इंडिया में जो भी कुछ होता है वो एक टाइम होता है इलेक्शन, उसके बाद ही होता है, तो पहले होता है। आई गेस एक तरह से बहुत अच्छा भी है और थोड़ा सा खतरा भी रहेगा। ये तो 4 साल बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो इकोनॉमिक स्लो डाउन वैसे ही चल रहा है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है। हमने जितना अमेरिका से अभी वीपन्स ले रखा है ना, उतना वीपन्स हमारे आर्मी को अभी मिला नहीं है, तो पहले वो मिल जाए बाद में आएगा सोचेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो। क्या नाम है? यश साकिब खान, विधि भारद्वाज। जैसा कि विपिन रावत ने ये बोला है कि आने वाले समय में इंडिया जो है वो डिफेंस हब बन जाएगा 4 सालों में, क्या कहेंगे? अगर ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है, मतलब कह देना और करने में बहुत अंतर होता है कि इंडिया के लिए, कि इंडिया में जो भी कुछ होता है वो एक टाइम होता है इलेक्शन, उसके बाद ही होता है, तो पहले होता है, जो भी कुछ हुआ नहीं है। और एक बात रही बात अभी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज की, जैसे राफेल खरीदा गया और भी जो वीपन्स की डील अभी हुई है, मेरे तरफ से उसने अभी रशिया से कुछ डील्स हुई हैं, तो अगर उनको ये करना था तो उन्होंने रशिया डील क्यों की? उनको तो इंडिया में जाकर ले लेना चाहिए था। और ऐसा कर देना कि हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है मार्केट के आजकल, क्योंकि मैं मार्केटिंग से हूँ तो मुझे पता है कि मार्केट में क्या करना पड़ता है। अगर प्रोडक्ट खरीद रहे हो उससे पहले प्रोडक्ट बनाने का ट्राई करो, खरीदने से पहले उन्हें राफेल खरीदा, राफेल पुराना प्रोडक्ट चलता है। अभी उन्होंने वीपन्स खरीदे हैं जो अभी अमेरिकन गवर्नमेंट पास है, वो वीपन्स लिए हैं, सऊदी अरब से भी उन्होंने कुछ वीपन्स लिया है, इसराइल से भी कुछ वीपन्स की डील की है। तो अगर वीपन्स आप डील बाहर से कर रहे हो और 10 साल बाद वीपन्स आने वाला हमारे पास, तो हम वीपन बनाए करेंगे क्या? डिफेंस इज इम्पॉर्टेंट आजकल, जैसे हम लोगों ने देखा नॉर्थ कोरिया जो है न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करता रहता है, तो इट हैज़ बिकम अ इशू, मतलब सेफ्टी के पर्पज से हर कंट्री को डिफेंस पे कुछ अमाउंट खर्च करना बिल्कुल चाहिए। आई गेस एक तरह से बहुत अच्छा भी है और थोड़ा सा खतरा भी रहेगा, जैसे बाहर से अगर राइफल्स वगैरह एक्सपोर्ट होती हैं तो जो ISI वाले हैं वो भी उधर से ही खरीदते हैं, तो आई गेस इट्स अ बैड न्यूज़ सम काइंड ऑल्सो और इट्स अ गुड न्यूज़ ऑल्सो। जैसे अभी हम डिपेंडेंट थे अदर कंट्री पे, लेकिन जब विपिन रावत हो या रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बात आ रही है कि आने वाले 4 सालों में जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो 3 गुना बढ़ जाएगा, क्या लगता है इसमें, क्या कहेंगे? हो सकता है वो खुद का हथियार में पार्ट्स बाहर से लाएँ, खाली यहाँ उसको एडजस्ट करें। भरोसा नहीं है? नहीं, उस पर भरोसा नहीं, एकदम भरोसा नहीं। इंडियन पॉलिटिक्स इतनी कचरी हो चुकी है आज के टाइम में कि एक स्टूडेंट कुछ अगर लाइफ में करता भी है ना तो स्टूडेंट कहाँ गिरेगा, तो कोई भरोसा नहीं होता। ये तो 4 साल बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो इकोनॉमिक स्लो डाउन वैसे ही चल रहा है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है, टैक्स रेवेन्यूज़ भी गवर्नमेंट के नीचे हैं और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी नीचे है, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है दूसरी बात, तो ये सब फैक्टर्स को तो लेना पड़ेगा कंसिडरेशन में, उसके बाद देखा जाएगा किस तरीके से गवर्नमेंट प्लान करती है डिफेंस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने दावा किया था 4 साल के अंदर वो कश्मीर को इंडिया से प्रॉपरली कनेक्ट कर देगी, मिलिट्री रूल हटा देगी, सब कुछ हटाकर, हटा नहीं, हो गया क्लियर है कि वहीं पर राहुल गांधी का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी पर ध्यान देती है, उसके अलावा वो सारे अदर्स जितने भी वर्क है सब पे ध्यान देती है, इस पर क्या कहें? देखिए रूलिंग पार्टी को तो हर दूसरी पार्टी अपोजिशन पार्टी तो ब्लेम करेगी, ठीक है हर गवर्नमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, पर यह है कि ऑपोजिशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है डेमोक्रेसी में जैसे हम जानते हैं, पर यह है कि अब ठीक है गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज़ है इम्प्लीमेंटेशन बहुत मैटर करता है। इकोनॉमी का सीन ये लाइक वो टोटली ग्लोबल इकोनॉमी पे मैटर करता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी डाउन चल रही है इस मोमेंट पे, और राइट नाउ जो इंडियन इकोनॉमी है यस डाउन में डिप में है, बट इट्स काइंड ऑफ कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस आ रहे हैं अपने कंट्री के इटसेल्फ, लाइक पहले लाइक वी वर डिपेंडेंट ऑन द टोटल कैश, नाउ इट्स कैशलेस। नहीं, ध्यान तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट दे रही है बहुत ज़्यादा, डेवलपमेंट तो हो रहा है इंडिया में, अब राहुल गांधी का कह रहे हैं आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हाँ आई गेस मतलब आगे तो बढ़ रहा है इंडिया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, उन्होंने ये बात भी रिप्लाई किया है कि आने वाले 2024 इलेक्शन में जो इंडिया है उसका जो इकोनॉमी लेवल है वो 3rd नंबर में पूरे वर्ल्ड पे आ जाएगा, तो क्या लगता है अभी का सिचुएशन है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2023-24 इट इज़ अ गुड स्टेप, बट एक्चुअली मैम जैसे मैंने फिर कहा कि इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है। वहीं पे जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनका कहना है कि राफेल मुद्दे पे बार बार जो विपक्ष है बात उठाता है कि सवाल करता है उस पर हमारे सेना पे उंगली उठता है, तो क्या कहेंगे इस पर, क्या सच है? अगर ये सेना पे उंगली उठे राफेल की बात पर लेकर, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये कर देना चाहिए कि कोई भी विपक्ष अगर इंडिया गवर्नमेंट अप्रोच करती है इंडिया में तो गवर्नमेंट ना करे, वो डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन करे, और डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन जो आर्मी के ऑफिसर्स बड़े हैं वो करें, जैसे हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी साइन होती है ये साइन करना छोड़ दें, प्रेसिडेंट साइन जिस दिन हो जाएगा ना उस दिन मान लेंगे कि वो गवर्नमेंट देश कर रहा है, ये गवर्नमेंट करे तो गवर्नमेंट पर क्वेश्चन उठेगा। ये तो रूल नहीं है ना कि आर्मी रूल नहीं, ये बात अलग है, बट रूल बनाना चाहिए ना। अगर मान लीजिए हम कुछ एक्शन लेते हैं, हमारे देश में एक रूल है कि कोई भी एक्शन होगा तो प्रधानमंत्री का साइन होना जरूरी है, क्यों? प्रेसिडेंट को इज्जत नहीं है? और एक और बात रही बात, हम लोग जो विपक्ष आज बात कर रहे हैं,
हमने जितना अमेरिका से अभी वीपन्स ले रखा है ना, उतना वीपन्स हमारे आर्मी को अभी मिला नहीं है। तो पहले वह मिल जाए, बाद में आएगा सोचेंगे।